आपकी सरकार के समय में ही हमको 75,000 करोड़ का ऋण हमको जो है वो सौगात में मिला है। उनको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। केंद्र से भी हिमाचल को पूरा सहयोग, मेरे विभाग को करीबन 350 करोड़ रुपए अभी मिले हैं। हिमाचल के लोगों का फायदा होगा, हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है। हम देखिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स, विकास के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे ब्रिजेज़ है, रोड्स है, नेशनल हाईवे के रोड्स है, 4 लेनिंग के काम जो NHAI के चले हुए हैं, और हमारे PMJSY प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बहुत बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में मेटलिंग का अपग्रेडेशन का कार्य हो रहा है। तो एज़ PWD मिनिस्टर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हर इलाके में जाए, वहाँ के लोगों से मिले, जो विकासात्मक कार्य चल रहे हैं उनका धरातल पे जाकर, मौके पे जाकर उनका निरीक्षण करें, ताकि कोई भी उसमें अगर कोई अटकल आ रही है, कोई ज़मीन की आ रही है, कोई फंड्स की आ रही है, या कोई उसमें और समस्या आ रही है, तो उसको हम निपटाएं और समय पे वो चीज़ें पूरी हो, ताकि क्षेत्र के लोगों को उसका फ़ायदा मिले। तो इसी उपलक्ष्य के लिए मैंने 2 दिन का ये दौरा ऊना का रखा है, जिसमें हम अलग अलग, मैंने कल भी और आज भी हम मीटिंग के बाद फील्ड विजिट्स करेंगे। एक बहुत बड़ा ब्रिज यहाँ पे हरोली डिवीज़न में करीबन 60 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, तो उसका निरीक्षण करेंगे। पंडोगा ब्रिज है, वैसे ही एक पिछले कल भी हमने एक CRF का ब्रिज है, उसका भी निरीक्षण किया। PMJSY की रोड्स का निरीक्षण किया, कई कॉलेजेस है, स्कूल्स बन रहे हैं। तो हर तरीके से हमारी वचनबद्धता है कि हम उनको समय के ऊपर पूरा करें, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और बजट का प्रावधान भी, चाहे वो प्रदेश सरकार से, हम पूरी मजबूती से उसको बजट उसमें देने का प्रयास कर रहे हैं, और केंद्र से भी हिमाचल को पूरा सहयोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा कि हम करीबन अभी मुझे मेरे विभाग को करीबन 350 करोड़ रुपए अभी मिले हैं इस वित्तीय वर्ष में, और पिछले साल जो है करीबन 3,500 करोड़ जो है वो PMJSY के लिए हमको मिले, जिसमें हम लगातार पूरे प्रदेश का एक्सपेंशन हो रहा है, और आने वाले समय में भी जो भी यहाँ के और विकासात्मक मुद्दे हैं, अभी PMJSY 4 शुरू हो रहा है, उसमें भी संभावित है कि करीबन 3,500 से 4,000 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश को मिलेंगे। तो इससे भी हिमाचल के लोगों का फ़ायदा होगा, जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, अनकनेक्टेड हैबिटेशंस है। हालांकि जिला उल्ला में मैं कल पता कर रहा था, यहाँ पे कम है, क्योंकि प्लेन इलाका है, इसलिए गांव ऐसे नहीं हैं जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, 2-3 ही हैं। मगर जो हमारे ऊपरले इलाके हैं, हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर इसका भरपूर फ़ायदा आने वाले समय में क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। वो एक महत्वपूर्ण पद के ऊपर बैठे हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है, तो मुझे लगता है उनको सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। प्रदेश के हित में कैसे बातें करनी है, कैसे सहयोग लाना है, उसके बारे में बात करनी चाहिए। मगर इस तरीके की बातें करना, आपकी सरकार के समय में ही हमको 75,000 करोड़ का ऋण हमको जो है वो सौगात में मिला है, तब भी हम रिसोर्सेज को जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उसमें निरंतर नई नई चीज़ों को प्रदेश के अंदर ला रहे हैं, कैसे हम आमदनी को बढ़ाएं, कैसे हम जो है हाइड्रो पावर से, सोलर पावर से प्रदेश की आमदनी को बढ़ाएं, आबकारी नीति से बेहतर करें, तो हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है।